गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी ड्रेपिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो साड़ी ड्रेप करने से पहले हमें जो साड़ी के लिए हील पहननी है उसे पहन लेना चाहिए। तो यहाँ मैंने हील्स पहन लिया है, देन पेटी कोट बांधा है। तो पेटी कोट को बहुत टाइटली बांधना है, बहुत लूज नहीं बांधना है, नहीं तो जब हम साड़ी ड्रेप करेंगे तो नीचे खिसक जाएगी। तो टाइटली मैंने यहाँ पेटी कोट पहन लिया है। उसके बाद मैं साड़ी ले रही हूँ, ये एक बंगाली साड़ी है जो कि रेड बॉर्डर एंड क्रीम बेस के साथ है। तो सबसे पहले हमें साड़ी के एंड्स को पकड़ना है, देन साइड से पहनना स्टार्ट करना है। इस साइड से, इस तरह से साइड से इसे पहनना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से टक इन कर लेना है अपने पेटीकोट में, अपने वेस्ट के अराउंड। तो वेस्ट के अराउंड टक इन करने के बाद अब हमें क्या करना है, फ्रंट में आंचल को पकड़ना है। आंचल को रफली इस तरह से प्लेट बना के और हमें अपने शोल्डर पे इसे रखना है। तो इसकी लेंथ देखना है, तो शोल्डर पे इस तरह से रख लेना। इसकी लेंथ फ्लोर टचिंग होना चाहिए, फ्लोर पे टच होना चाहिए। जितनी हमारी हाइट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसका लेंथ होना चाहिए आंचल का। तो इस तरह से मैंने आंचल को रख लिया है। अब क्या करना है, अब इसमें प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है। तो प्लेट्स इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बनता है, तो जो पहले इस तरह से आगे की तरफ पूरा टक कर लेना है अपने पेटीकोट में। देन इसके जो प्लेट्स होते हैं बंगाली साड़ी में जो हम ड्रैप करते हैं, तो उसके जो प्लेट्स होते हैं थोड़े से बड़े बड़े प्लेट्स बनते हैं, छोटे छोटे प्लेट्स नहीं बनते। तो इस तरह से 3 या 4 प्लेट्स ही बनते हैं। तो इस तरह से मैंने, ये देख सकते हैं कि इस तरह से आपको प्लेट्स बनानी है। मेरी साड़ी में 3 प्लेट्स बनी है। प्लेट्स को नीचे तक मैनेज कर लेना है, इवन कर लेना है इस तरह से। उसके बाद इसे पेटीकोट में टक कर लेना है। टक करने के बाद हमें इस जगह पे सेफ्टी पिन अंदर के साइड से पिनअप कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि जो अभी हमारे प्लेट्स हैं वो बिल्कुल भी खिसकेंगे नहीं, जितना भी चल रहे हैं नाचे कूदे। उसके बाद हमें क्या करना है, अब आंचल को लेना है और आंचल में प्लेट्स बनानी है। तो जिस तरह हम नॉर्मल साड़ी पहनते हैं और प्लेट्स बनाते हैं, उसी तरह से हमें प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से पूरे आंचल में प्लेट्स बना लेना है और प्लेट्स को नीचे तक इवन कर लेना है। देन उसमें सेफ्टी पिन लगा देना है। तो इस तरह से सेफ्टी पिन लगाएंगे तो हमारे प्लेट्स जो हैं इधर उधर भगेंगे नहीं और बिगड़ेंगे नहीं। उसके बाद फिर नीचे तक हमें और इवन करना है प्लेट्स को। और उसके बाद मैं, यहाँ मेरे पास सेफ्टी पिन नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ क्लिप्स लगा दे रही हूँ। तो आप इस तरह से क्लिप्स भी लगा सकते हैं और देन नीचे तक थोड़ा सा और मैनेज करना है। तो पूरे प्लेट्स को मैनेज करके और इस तरह से जगह जगह पे आप क्लिप्स लगा सकते हैं, इससे हमारे प्लेट्स सही से बने रहेंगे। पूरे प्लेट्स को मैनेज करने के बाद, इवन करने के बाद इस पर आप आयरन भी लगा सकती हैं, जिससे प्लेट एकदम सही से बना रहेगा, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसे शोल्डर पे रख लेना है और उसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है। तो नीचे तक अभी भी फ्लोर टच कर रहा है जो भी मेरे आंचल का लेंथ है। और देन अब फ्रंट में थोड़ा सा और मैनेज कर लेना है प्लेट्स को। देन फ्रंट से इस साइड को पकड़ के और साइड में ले जाके इसे टक कर लेना है या फिर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ मैं सेफ्टी पिन लगा रही हूँ, अंदर के साइड से सेफ्टी पिन लगा दिया है। उसके बाद फ्रंट में थोड़ा सा और जो प्लेट्स हैं उसको मैनेज करना है, देन सारे क्लिप्स को निकाल लेना है। देन आंचल को ओपन करके और साइड से इस तरह से इसके कॉर्नर को, आंचल के कॉर्नर को पकड़ना है और इसे थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से प्लेट्स बनाना है। अगर आप कोई बॉर्डर वाली साड़ी पहनते हैं तो उस फ्रंट में बॉर्डर आ जाएगा, नहीं तो ऐसे इस तरह से प्लेट्स हल्का सा बना के रफली उसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है। तो इस तरह से आप साइड में हल्का सा इस तरह प्लेट्स दिखेंगे जो कि बहुत ही अच्छे लगते। देन फ्रंट के साइड में इस तरह से प्लेट्स में नीचे के साइड एक सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि नहीं तो चलने में थोड़ा सा प्लेट्स ख़राब हो जाएगा। आप इसकी जगह बेल्ट भी यूज़ कर सकती हैं, जो भी गोल्ड के बेल्ट वगैरह यूज़ करना हो यूज़ कर सकते। मैंने पहले नहीं यूज़ किया था लेकिन चलने पर थोड़ा सा फ्रंट के जो प्लेट्स वो ख़राब हो जा रही, इसलिए मैंने लगा लिया।
आंचल में इस तरह बैक साइड में लोग चाबी का गुच्छा लटका लेते थे, लेकिन आजकल अब चाबी का गुच्छा कोई नहीं कैरी करता है। तो आप इसकी जगह कोई अच्छा सा लटकन भी लगा सकती है या फिर ऐसे भी सेफ्टी पिन लगा के छोड़ सकती है। तो ऑलमोस्ट मैंने ये बंगाली साड़ी ड्रैप कर लिया है, तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी इस तरह ड्रैप किया है। तो हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ भी हुई हूँ, अगर हुई होंगी तो सॉरी फॉर दैट। तो आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो एंजॉय किया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।